लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तक हो गया रन टाइम। अभी हम एग्जांपल से अच्छा क्लियर हो जाएगा। सिंपल 2D एरे प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा था 1D, तो 1D के अंदर हमने जो प्रोग्राम किया था, ये वाला, ये जो प्रोग्राम ने डिस्कस किया था, ये पूरा क्लियर था, ठीक है, बिल्कुल ईजी प्रोग्राम था ये। अब इसी तरह से अपन ये जो 2D का प्रोग्राम है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वही सबसे पहले हैश इंक्लूड लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे, स्टूडियो आईओ और कॉनियो, ये तो आपको पता है। यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, वॉइड में यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ इंट एरे 3 एंड 3, आई जे और काउंट ज़ीरो। अच्छा काउंट ज़ीरो क्या है, यहाँ वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ कर दी है, ठीक है। क्या कर दी है हमने, इनिशियलाइज़ कर दी। इसका मतलब ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइज़ हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो आगे, अब ये 4 है, आई इज़ इक्वल टू, ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि आई इज़ इक्वल टू 1 1, हमने क्या कर दी। अब देखो 1D में आई की वैल्यू हम 0 करते आ रहे थे, ठीक है। वहाँ मैंने आपसे कहा भी था कि आई की वैल्यू 1 भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ हमें देखो देखने को मिल रहा है। तो लुक एट हियर, आई इज़ इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज़ किया, फ्रॉम आई इज़ इक्वल टू 1, देन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड आई इंक्रीमेंट होगा। तो ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, वही 3 बार, 1 फिर 2 फिर 3, क्योंकि इक्वल टू 3 दे रखा है। उसके बाद फिर 4J, अब J की नहीं है। अब ऊपर देखो हमने यहाँ, अब ये आई तो क्या है, ये तो कॉलम की, ये तो रो की नहीं यूज़ होगी। आई जो आई है, आई की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ स्टोर होंगी, सब रो में। 3 3 एरे 3 और 3 3 दे रखा है, यहाँ देखो बिग ब्रैकेट के अंदर 3 3 दे रखा है इस तरह से, ठीक है। तो आई की नहीं, अब जे की नहीं है, तो लूप में लूप, जे की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज करी एंड सेमी कॉलन, जे इज़ सेम की सेम, वही जितना वो मतलब रन करेगा इतना ही ये रन करेगा। उसके बाद देखो अभी ये जब दोनों रन हो जाते हैं, उसके बाद काउंट की वैल्यू हमने यहाँ इनिशियलाइज़ करी थी 0, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एरे आई और जे, ठीक है, काउंट, और जो काउंट की जो वैल्यू है जो अब इंक्रीमेंट हो गई, वो किस में स्टोर हो जाएगी, एरे के अंदर। और प्रिंट क्या करा देंगे, एरे आई और जे, देन प्रिंट एफ, ये न्यू लाइन की नहीं है देखो। तो आउटपुट किस तरह से हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या हो जाएगा आउटपुट आपके, 1 2 3 7 है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था, ये देखो एरे 3 एंड 3, यानी कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, 9। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कर लो एक तरह से इन दोनों को, तो अब ये 9 हो गई, 1 2 3, क्योंकि 1 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं आई की वैल्यू, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 4 5 6 7 8 9, तो सबकी वैल्यू देखो 1 1 करके इंक्रीमेंट हो रही है। यही हम आपका प्रोग्राम है। अब इसको क्या है, अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा।